तमन्ना लाग करते हैं, तमन्ना टूट जाती है, वो ही दरबार जाते हैं जिन्हें माता बुलाती है। बोल साचे दरबार की जय। माता रानी वैष्णो देवी में महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग में एक गुफा में विराजमान है। जय माता दी, जय माता दी। जनवरी 2024 में प्राचीन गुफा खोल दी गई है और उसके द्वारा ही दर्शन हो रहे हैं। और मैं आपको घोड़े, पालकी, बग्गी, बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाढ़ गंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी माता जी के दर्शन भी करवाऊंगा। बस चैनल पर बने रहना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। जय माता दी, जय माता दी। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जानकारी मिलेगी माता वैष्णो देवी की यात्रा की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे आपकी यात्रा सफल रहे। जय माता दी, जय माता दी। जय माता की, जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली। तो अब हम पहुँच गए हैं वैष्णो देवी, आपको भी दर्शन कराएंगे, हम खुद भी दर्शन करेंगे। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, पल पल की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। बाढ़ गंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी माता रानी के दर्शन करवाऊंगा, भैरव बाबा जी के दर्शन करवाऊंगा, रोप वे के बारे में बताऊंगा, घोड़ी पालकी सबके बारे में बताऊंगा आपको। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मेरे सुनील नाभिचानी ब्लॉग में। बस कमेंट पर जय माता की लिख देना, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि पल पल की जानकारी मिलूंगा। प्राचीन गुफा ओपन है और दर्शन हो रहे हैं, लेकिन ऊपर जाके पता लगेगा वो ग्रेड के हिसाब से होता है वहाँ पर सिस्टम जो भी है, वो आपको मैं जाके बताऊंगा। स्नोफॉल अभी यहाँ पे नहीं है, बाकी आपको सारे दर्शन करवाऊंगा। कमेंट में जय माता की लिखना मत भूलना। तभी मैं अपने होटल पे हूँ और अभी जाऊँगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जय माता। तो दर्शन करने आया है वो जनवरी में आया है। काफ़ी लोगों की मेरे को डिमांड थी कि बर्फ पड़ती है या नहीं पड़ती है, तो अभी तो फिलहाल जो 2024 के हमारे जो दर्शन है, अभी तो फिलहाल यहाँ पे बर्फ स्नोफॉल नहीं है, बट आगे भी हो सकता है, अभी कहीं भी बर्फ़ नहीं पड़ी है। तो ये हमारी जो यात्रा है वो है 22 जनवरी 2024 की हमारी यात्रा है। तो हम यात्रा बस शुरू करने वाले हैं, तो चलते भाई। आप वो देख सकते हो, वो कटरा का बस स्टैंड है और यहाँ से ये कटरा का मेन चौक है और यहाँ से आपका बाढ़ गंगा जाएगी। और ये जो ऑटो वाले, रिक्शे वाले, ये दो सवारी हो या तीन सवारी ही आएगी पीछे, और एक आधी आगे बिठा लेता तो ये 150 रुपये चार्ज करेंगे, 150 रुपये ही लेते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और हमारा होटल ये है। तो जय माता की, यात्रा शुरू करने का टाइम शुरू हो चुका है। और जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली, और जो कि पिंडी रूप में स्थापित है जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर। तो दर्शन हम खुद भी करेंगे, आपको भी करवाएंगे। और जो यात्रा रहेगी वो रहेगी 12 किलोमीटर और भैरव बाबा की रहेगी 1 किलोमीटर, तो टोटल मिला के हमारी यात्रा हो जाएगी 13 किलोमीटर की। और हमने अभी शुरू अपने कटरा मेन चौक से ही शुरू कर दिया है, जो कि बाढ़ गंगा जाएंगे, 2 किलोमीटर रहेगी। हम सोच रहे पैदल ही चलेंगे, अपना आराम से वीडियो बनाते हुए इंजॉय करते हुए। काफ़ी भक्तों का सवाल होता है कि प्राचीन गुफा ओपन है नहीं ओपन है, तो अभी प्राचीन गुफा ओपन है, जो कि डेट है 22 जनवरी 2024। तो ये 2024 की पहली मेरी यात्रा है, तो हम खुद भी दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। जय माता दी, कमेंट में जय माता की लिखना मत भूलना। पहुंच गए माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए। आप देख सकते हो कितनी बड़ी भीड़ है, ये देखो, ये लाइन अभी से लग गई है, सुबह 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, ये देखो। और ये देखो माता रानी। फाइनली हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और जो हमारी टाइमिंग है 9:04, देखते हैं हम भवन तक कितने टाइम पर पहुँचते हैं, बाकी की आपको जानकारी मैं देता रहूँगा। देख सकते हो गुलशन कुमार जी का लंगर यहीं पे लगता है और यहाँ से स्टार्टिंग है, और ये रास्ता है जो पुराने वाला, ये जाएगा भवन की ओर माता की। तो देख सकते हो आप, ये वाला नया रास्ता है जो कि भवन की ओर जाएगा, और यहाँ पर आप ओनी पालकी पिट्ठू प्रीपेड बुकिंग काउंटर है। क्या भैया दोबारा बोलना? 1250, 1650, 1450, 1850, 650, 700। जय माता दी। तो भाई ये जगह है, यहाँ पे आपको पिट्ठू पालकी, पोनी पालकी, पिट्ठू सब मिलेगा। आप यहाँ से जैसे भवन से स्टार्टिंग करोगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो हम फिलहाल थोड़ी सी यात्रा करने के बाद बाढ़ गंगा पहुँच चुके हैं, और बाढ़ गंगा का अपना एक अलग महत्व है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता वैष्णो रानी माता ने तीर्थ चला के इसका निर्माण किया था, और उसके बाद हनुमान जी ने जल ग्रहण करके अपनी प्यास बुझाई थी। तो ये बाढ़ गंगा का इतिहास है, अपना एक अलग महत्व है। बोल जय माता। जय माता। हमारी जो यात्रा है वो है जनवरी की, और जो भी जनवरी की यात्रा जो प्लान कर रहा है तो गर्म कपड़े तो लेके आना, और चढ़ते हुए एक जैकेट रख लेना गर्म, क्योंकि मॉर्निंग की ठंड है और रात की ठंड है। बीच में तो ऐसा होता है कि आप चढ़ाई करते हो तो आपको इतनी ठंड नहीं मिलती है, बट ठंड है तो जनवरी में तो ठंड होती है वैसे भी। तो आप, हाँ देखो, वो चढ़ते हुए तो देखो वो होगा,
बट रात को आपको ठंड लगेगी जब उतरोगे ना, तो उसके तक आपको बैग को कवर करना पड़ेगा ना अपने आपको, तो एक गर्म स्वेटर रखना पड़ेगा ना। और जनवरी की जो यात्रा होगी ना उसमें उसमें आपको गर्म कपड़े एक लेके चलना है। अगर आप चढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आप एक टी शर्ट गर्म टी शर्ट पहन सकते हो, और वो जो आपकी जैकेट होगी उसको आप बैग में रख सकते हो। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जो अभी फील करा वो बाढ़ गंगा जी के दर्शन कर लिए और आप लोगों को भी दर्शन करवा दिए। आप जा रहे हैं चरण पादुका, और हमने प्रिपेयर करा थोड़ा, सोचा अब हम जाएंगे सीढ़ी से, जो कि सीढ़ी से आपकी 180 सीढ़ी है वो सीधा के सीधा आपके निकलेगी चरण पादुका मंदिर। वहाँ जाके चरण पादुका मंदिर का महत्व आपको बताऊँगा और प्रेफर करूँगा। देखो आप अगर सीढ़ी से चढ़ना चाहो तो सीढ़ी से चढ़ सकते हो, और अगर आप वैसी नॉर्मल चढ़ाई वाली तो वो चढ़ सकते हो, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। हम अलग सीढ़ी वाला चढ़ रहे, थोड़ा बहुत कष्ट ले रहे हैं और लेना भी चाहिए दर्शन करने आए तो। जय माता दी, जय। तो जय माता की। तो हम पहुंच चुके हैं अब चरण पादुका। तो चरण पादुका का मंदिर का अपना एक अलग महत्व है। माता रानी कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकी थी और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था, भैरव बाबा उनके पीछे आए थे, और उसी टाइम से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, वो जो कि चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। अगर आप आ रहे हो तो आप यहाँ पर दर्शन करके जरूर जाना। जय माता दी। यात्रा का बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, और अभी हमने ढोल पे डांस भी करा, मैंने भी करा, नितेश ने भी करा, तो बहुत ही आनंद आया। नितेश जी कैसा लगा डांस करके? अरे भाई मजा आ गया। सबसे पहले तो इसी ने स्टार्ट किया डांस, फिर सारे आ गए डांस करने की, तो मैं कहा भाई अब आएंगे जरूर डांस करेंगे, क्योंकि भाई अगर आप यात्रा जा रहे हो ना तो बिल्कुल इंजॉय करते हुए, आनंद लेते हुए, माता का नाम लेते हुए यात्रा करोगे तो बहुत अच्छा है। देखो ऊपर चढ़ते हुए सांस फूलती है, चाहे आप जितना मर्जी जिम कर लो, जितना मर्जी कार्डियो कर लो, जब चढ़ता है तो इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। और रेस्ट करते हुए चलेंगे, अभी तो हमारा जो अर्धकुंवारी है और जनवरी का टाइम है, 21-22 तारीख है, और धूप बहुत खिली हुई है और गर्मी ज़्यादा लग रही है चढ़ाई पे। रात को मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो अर्धकुंवारी पहुँच के आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं। जय माता की, जय माता की। अभी हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी के लिए, और अभी तक की जो हमारी यात्रा है बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत थकान हुई है बट आराम रेस्ट कर करके चढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छा सफ़र है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें इतनी गर्मी हो गई है कि हमें सनग्लासेस लगाने पड़ गए हैं तो दिल्ली भाई, में तो हमारे बहुत ठंडा है। दिल्ली में भाई बहुत ज़्यादा ठंडा, इससे तो भाई दुगनी ठंडा मैं तो कह सकता हूँ। जो कल की संडे की हमें आइडिया नहीं था कि और इतनी गर्मी हो सकती है, बाकी रात का मौसम नहीं चेंज हो जाएगा वैसे। और आप सभी को रामलला प्रभु श्री राम की स्थापना दिवस की अयोध्या में हार्दिक शुभकामनाएं। हम मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ हम अनुभूति कर सकते हैं उस चीज़ की, और आप सभी को अयोध्या में आए श्री राम जी के जन्म स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की। सीढ़ी से चढ़ने का भी अपना एक अलग आनंद है। वैसे तो सिंपल रास्ता मैं आपको बोलूँगा, लेकिन माता रानी का नाम लेके मैंने सीढ़ी को भी इंजॉय करा, और जय माता दी, जय माता जी बोल के, जय माता दी। और सफ़र हमारा चालू हुआ था 9 बजे, और अभी टाइम हो चुका है 11:30, और बहुत अच्छा सफ़र हुआ। आप बाढ़ गंगा चरण पादुका, अब अर्धकुंवारी जा रहे हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे हम। और खच्चर घोड़े वाले थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, आगे चलते रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। प्राचीन गुफा भी खुली है तो उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे, सब कुछ बताएंगे। जय माता दी। मिल चुका है और कुछ देर के लिए हमें रोक दिया है, पूरी चेक पोस्ट ये। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी, और अर्धकुंवारी का अपना एक अलग महत्व है। माता यहाँ पे 9 महीने रही थी, जैसे कि बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहता है, तो माता यहाँ पे 9 महीने रही थी। और आपको यहाँ की जो टिकट होगी, आपको जो गर्भ जून गुफा में आप जाओगे, आपको वहां से नीचे लेके आप यहाँ से जा सकते हो। और रास्ता बताऊंगा, यहाँ के बाद दर्शन करने के बाद गर्भ जून की गुफा के बाद आप यहाँ से जाना, भवन का रास्ता इधर से है। और आप वो वाला रास्ता देखो नीता जी, वो वाला रास्ता देखो, वो वाला है आपका हाथी मत्ता और सानी सेट वाला, और ये वाला रास्ता है आप इधर देखो, ये भवन वाला, जो ये वाला भवन वाला रास्ता यहाँ पे देखो, ये दिखाओ, ये वाला, ये भवन की तरफ जाएगा, ये सिंपल वाला रास्ता होगा, यहाँ पे गाड़ियां चलती है। और जय श्री राम। और देख सकते हो मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो कि अभी राम मंदिर की स्थापना, रामलला प्रभु आएंगे, जो कि 50 साल पुराना इतिहास अभी कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा खुशी और क्या हुई। जय श्री राम। तो अभी हम चढ़ाई को आगे करते हैं, यात्रा करते हैं और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। आप भी अर्धकुंवारी में आइए, स्टे की बहुत अच्छी जगह है, मिलते हैं आपसे। जय माता दी।
जय माता की अर्धकुंवारी में हम चले अभी आपको, और आपको सब कुछ बताया हमने यहाँ पे रहने खाने की सुविधा, और इस सबसे भव्य नज़ारा ये देखा कि वहाँ पे श्री राम जी के मंदिर की अयोध्या में स्थापना हो रही है और मोदी जी बैठे हुए वो कर रहे हैं, और माता रानी के दरबार पे देख के भव्य नज़ारा, मैं क्या बताऊँ, शब्द नहीं है मेरे पास, मैं कह नहीं सकता। और अब हम जय माता की, अब हम भवन की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया और टाइम 12:30 बज रहे हैं। और अर्धकुंवारी का नज़ारा बहुत अच्छा था, गर्वजून की जो गुफा है नितेश जाएगा उसमें, क्योंकि कहा जाता है कि उसमें एक ही बार जाया जाता है लाइफ में, मैं तो गया हुआ हूँ, इसी मारे मैं नहीं जाऊँगा, जैसे बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है उसके बाद, तो ऐसी ही प्रथा लोग यहाँ पे बताते हैं, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो जय माता की आगे यात्रा करते हैं और माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी आपको दर्शन करवाते हैं, जो कि पिंडी रूप में स्थापित है कटरा जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर। जय माता दी, जय माता दी, बहुत आनंद आ रहा है। अब आखिरी यात्रा चल रही है हमारी, उसके बाद भैरव बाबा जाएंगे, रोप वे से देखेंगे, ये तो पैदल। जय माता दी। ताकि अब खाने के लिए पहुंचे हम, और आपको ऐसी जगह शाइन बोर्ड द्वारा जो बनाया गया है सत्य भोजनालय, ऐसे आपको स्टोर यहाँ पर मिलते रहेंगे खाने के लिए, तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे हम खाएंगे और आपको रेट दिखाएंगे। अगर आप भी आ रहे हैं तो आप भी यहाँ पे खाना, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, डोसा, टी, चाय, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। श्री माता वैष्णो देवी यहाँ से पर्ची कटेगी आपकी और आपको अंदर बैठ के खाना होगा। वैष्णो देवी आ रहे हो और आपने शाइन बोर्ड के कढ़ी चावल, राजमा चावल, चाय नहीं पी, तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, आपने यहाँ पे दर्शन नहीं किया। तो देख सकते हो नितेश जी लेके आ चुके हैं राजमा चावल, कढ़ी चावल, मैं कढ़ी चावल खाऊंगा, राजमा चावल ये खाएगा, बट दोनों शेयर करके खा लेंगे। जय माता की। और खाने तो आप शाइन बोर्ड से खाओ। तो जय माता की, हम पहुँच चुके हैं डोसा पॉइंट हिमकोटी, तो आप देख सकते हो भोजनालय हिमकोटी का। तो यहाँ पे आपको कढ़ी चावल, राजमा चावल जो कि मैंने पीछे दिखाया था, और डोसा पॉइंट जो कि भक्त आते हैं यहाँ पे व्यंजन का मजा लेते हैं, खाते हैं, पॉइंट ये जगह है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। बढ़िया बढ़िया भैया। और भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको ATM की सुविधा भी मिल सकती है, तो ये देख सकते हो आप। जय माता दी। अभी हम हिमकोटी वाले रास्ते में हैं, और ये जो रास्ता है ये वाहनों के लिए है, जो कि वाहन नीचे से ही बुक करवाने पड़ते हैं और आसानी हो जाती है, और रास्ता भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमने हाथी मत्था और सांझी छत वाला रास्ता नहीं लिया जो अर्धकुंवारी से कटता है, हमने ये रास्ता प्रेफर करा के इसी में जाएंगे, और ये काफ़ी सिंपल है और वो काफ़ी चढ़ाई वाला है, तो मैं भी प्रेफर करूँगा, जैसे मैंने बताया आपको ये बेस्ट है। माता रानी के भवन पर लोकर रूम की व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर रखी थी, जो पार्वती भवन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ा बनाया गया है, बहुत विशाल है। जय माता दी। प्रसाद की व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर रखी थी, यहाँ पर प्रसाद 50 से 100 रुपये तक का मिलता है। जय माता दी। फिर हम लाइन में लगे दर्शन के लिए, हम भी दर्शन करते हैं और आप भी दर्शन करो। जय माता दी। जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जो कि पिंडी रूप में स्थापित है, तो आप लोग दर्शन कर लो और अपने अपनी विशेष मांगो। फाइनली दर्शन हो गए और भैया हमको मिले, तो भैया के साथ दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। तो भैया यहीं से, जम्मू से। भैया जय माता दी। जय माता। कैसा लगा आपको दर्शन? अच्छा। और आपको भैया? तो भैया मिलते हैं, ठीक है, कभी मुलाकात हुई माता के दरबार में। जय माता की। चलो ओके भैया, जय माता दी। चलो भाई, चलो भाई। तो जय माता की, फाइनली माता रानी के दर्शन हो गए। और जैसा कि सवाल था, प्राचीन गुफा खुली है नहीं खुली है? प्राचीन गुफा खुली है, और हमने प्राचीन गुफा में ही माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, जो पिंडी रूप में स्थापित है जम्मू कश्मीर के कटरा में, उनके दर्शन करे। और मैं बता नहीं सकता मेरे चेहरे पे कैसी मुस्कान, मैं तो बस जय माता की, जय माता की मैं। और उसके साथ साथ हमें एक और सौभाग्य मिला कि हमें और किस्मत मारो को मिलता है वो हलवे का प्रसाद जो हमें मिला। मैं तो 2 डोंगे लिए और उसमें आता था शेर का नितेश और मैंने, मतलब मजा आ गया। जय माता की। और आगे वाली गुफा, प्राचीन गुफा खुली है वैष्णो देवी की, जैसा कि बताया मैंने, अपने दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, प्राचीन गुफा से दर्शन हुए। और नितेश जी भी मेरे साथ है, तो उनसे भी पूछेंगे कैसे दर्शन हुए। नितेश जी बताइए भाई। बस सबसे बड़ा सौभाग्य हमारे को हलवे का हुआ, जो हमने खाया, और बहुत सुंदर दर्शन हुआ, मन को बहुत शांति मिली, जितनी मेहनत से आए थे। प्राचीन गुफा की जो बात है, हाँ बताइए जी, नितेश जी थोड़ा बताइए भाई। बिल्कुल, बहुत वाइब थी, एनर्जी थी, हम जितने थके थे पूरी थकान उतर गई। क्या मालूम, अब जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए।
अगर आपको रोप वे से भैरव बाबा के दर्शन करने हैं तो आपको जल्दी करना होगा क्योंकि 5 बजे के बाद रोप वे बंद हो जाता है। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए और पहली बार दूसरी बार मेरे माता रानी के पास से दर्शन हुए और मैं बता नहीं सकता आपको जो सुकून मिला ना बहुत ज्यादा। अब थोड़ा थक भी गए हैं और थोड़ी बहुत सांस भी फूल रही है क्योंकि आप जा रहे हैं भैरव बाबा जी की चढ़ाई करने के लिए तो आपको दर्शन कराएंगे भैरव बाबा के भी। जय माता दी जय माता दी। एक चीज बोलना चाहता हूँ कि कष्ट आएगा ना जब शरीर में तो जब ये तो दर्शन होंगे अभी तो ना आपको बैठे बिठाए आपको माता रानी के दर्शन हो जाए भाई कष्ट लेना पड़ेगा शरीर में जब ये तो दर्शन होंगे। लोग कहते केदारनाथ में इतनी भीड़ है मथुरा में इतनी भीड़ है अरे कोई नहीं यार 5 घंटे लाइन लग जाएंगे 6 घंटे लग जाएंगे कोई नहीं चलते रहो माता का नाम लेते रहो जय माता की कोई दिक्कत। हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के द्वार और आप देख सकते हो मैं तो लाइफ में पहली बार इतनी भीड़ देख रहा हूं यहां पे भक्तों की इतनी बड़ी भीड़ देख रहा हूं बहुत कम देखता हूं मैं। और आप ऊपर देख सकते हो अभी माता रानी की आरती हो रही है ये देख सकते हो आप और ये भैरव बाबा जी का मंदिर वो देख सकते हो आप और बहुत ही सुंदर नज़ारा। और आप बादल देखो कितने प्यारे हैं बहुत ही भव्य नज़ारा। जय माता भैरव बाबा जी के दर्शन कर लो आप और ये रहा आपका माता रानी के दर्शन भी कर लो साथ ही साथ में भैरव बाबा के द्वार पे। और पहली बार इतनी भीड़ देख रहा हूँ मैं यहाँ पे भाई जो पीस मिलती है ना जो आके सुकून मिलता है मैं आपको बता नहीं सकता। जो वैष्णो देवी आता है उसको बताया कि यहाँ पे क्या पीस मिलती है और क्या नज़ारा होते हैं भव्य क्या दर्शन होते हैं। तो सुबह हमने यात्रा करी थी 9 बजे और दर्शन हमें हुए 4:30 बजे के करीब दर्शन हुए और दर्शन बहुत अच्छे हुए। प्राचीन गुफा खुली हुई है और उसके बाद हम क्या नाम भैरव बाबा जी के दर्शन करें और टाइम अभी हो रहा है लगभग 7:30। तो अभी अर्धकुंवारी में जाके नितेश गर्भजुनों की गुफा की दर्शन करेगा मैं नहीं करूँगा क्योंकि जिंदगी में एक ही बार करते हैं। और बहुत ही हवा चल रही है स्नोफॉल बिल्कुल नहीं है और मौसम बहुत ही अच्छा है जनवरी में मीठा मीठा मौसम है और जाने का मन नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा। तो जो भी मेरा भाई वीडियो देख रहा है ये वीडियो के माध्यम से आ सकता है यहाँ पे और बहुत मेहनत करी है कुछ अगर गलत बोल दिया हो और कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो अपने बच्चा समझ के अपना बेटा समझ के अपना भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना और मुझे सपोर्ट करते रहना। और माता रानी से दुआ करूँगा कि अगली बार जल्दी आऊँ। जय माता की जय माता की बोल साचे दरबार की जय सबका कल्याण कर सबका जय माता की। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरा ब्लॉग देखने का कमेंट में जरूर लिख देना जय माता की जय माता की। माता रानी का बहुत बड़ा शुक्रिया कि माता रानी ने मुझे बुलाया और पहले से मैं बहुत आने की कोशिश कर रहा था नहीं आ पा रहा था लेकिन जब तक माता रानी नहीं चाहेगी जब तक आप नहीं आ सकते तो फाइनली बुलावा आके दर्शन हो चुके आपको भी दर्शन करवा चुका हूँ। सुनील लामी चाने ब्लॉग को सपोर्ट करिए अपने भाई को जय माता की जय माता की जय माता की बस अच्छे दरबार की जय।